हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको 5 नंबर बाल गोपाल जी के लिए सेंटा क्लॉज की ड्रेस बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 नंबर बाल गोपाल जी की चोली पहले से बना के तैयार कर रखी है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, सेंटा क्लॉज का हम फेस बनाएंगे इस तरीके से। चलिए पहले हम फेस बनाते हैं, फिर उसके बाद इसका घेरा बनाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 11 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है और ये मैंने डबल धागा लिया हुआ है। मेरा धागा पतला है इसलिए मैंने डबल धागे से बनाऊंगी। अगर आपका धागा मोटा होगा तो आप सिंगल से भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम दो उंगली पे धागा इस तरीके से लपेटेंगे। ये बाहर के धागे को हम अंदर खींच लेंगे, इस तरीके से रिंग बनाएंगे। 3 चैन लेंगे, 1 2 3। इस दो धागे को हम बाहर खींच लेंगे। इस तरीके से अब इस रिंग के अंदर हमें 20 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार हमने बना लिया है, 3 चैन जो हमने बनाई है उसको डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। दो, 3, 4, 8। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं 20 बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 20 बना लिए हैं। अब इसे जोड़ देंगे हम स्लिप स्टिच के द्वारा। जो हमारी तीसरी चैन होती है इसमें डाल के हम जोड़ देते हैं। एक चैन लेके धागा कट कर देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये पीछे से ये धागा खींच देंगे ताकि ये सर्कल थोड़ा छोटा हो जाए। अब धागे अंदर दबा देंगे सारे ले जाके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने धागे कट कर दिए हैं सारे। अब हम वाइट धागा लेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम। ये धागा लेके कनेक्ट करेंगे, फिर हम इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया हमारा। हम पूरे राउंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे इसी तरीके से। 20 हैं तो हमारे 20 ही सिंगल क्रोशिया बनेंगे इस तरीके से। ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिए हैं। अब इसे जोड़ेंगे हम, जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया उसमें डाल के स्लिप स्टिच के द्वारा हमने जोड़ दिया। ये 3 चैन लेंगे हम, 1 2 3। एक स्किप करेंगे, दूसरी वाली में डालेंगे और स्लिप स्टिच के द्वारा से निकाल देंगे। ये हमारा एक लूप बन गया है। हमें इसी तरीके से 5 बनाने हैं, 1 2 3। एक स्किप करेंगे, दूसरी वाली में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3, 1 हो गया, 2 3, 1 2 3। इसी तरीके से हम ये 2 भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 5 लूप बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। एक चैन लेके कट कर देंगे धागे को। हमने ये 20 बनाए थे, हमने 10 में ये दाढ़ी के लिए बनाया है और 10 में हम ये कैप बनाएंगे इस तरह की। 10 10 में हमने डिवाइड कर दिया है। अभी हम ये दाढ़ी बनाएंगे। धागा लेंगे, ये बाद में सारे धागे कट कर देंगे हम ले जाके। पहले लूप में डालेंगे हम, धागा कनेक्ट करेंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तीन तीनों एक साथ निकाल देंगे, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन में से दो दो करा, दो में से एक करा, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों एक साथ निकालेंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दाढ़ी बन गई है। इसी तरीके से इसमें भी पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों एक साथ निकाल देंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन में से दो करा, दो में से एक करा, फिर डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें तीन लूप में और बना लेना है। पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये पैटर्न पूरा करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है। अब इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे हम। एक चैन लेते हुए धागा कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, धागे पीछे ले जाके हम कट कर देंगे बाद में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कैप बनाएंगे। लाल धागा लेंगे हम, यहाँ से कनेक्ट करेंगे। दो चैन लेंगे, इसे मैं हाफ डबल क्रोशिया से बनाऊंगी। इसकी लेंथ रखने के लिए हमें ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं चाहिए। अब ये 10 के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। थोड़ा धागा ढीला रखेंगे इस तरीके से। धागा दबा देंगे रेड वाला। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें ये 10 डबल क्रो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी के ऊपर मैं बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिए हैं 10 के ऊपर 10। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपना वर्क ऐसे डन करेंगे। अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस वाले में ना बना के हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, ताकि हमारा एक घट जाए। दो चैन लेंगे, एक दो। अब नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये बनाते जाना है। दो हो गए हमारे। इस वाली लाइन में हम 8 बार बनाएंगे। 3 4 इसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिए। एक हमने यहाँ से घटा दिया, एक हमने यहाँ से घटा दिया, तो इसलिए हमारे ये 8 बचते हैं। रिटर्न करेंगे अपना वर्क, स्लिप स्टिच के द्वारा इसे कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से दो चैन लेंगे, एक दो। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हमारा डबल क्रोशिया। ये हमारे दो गए, एक चैन वाला हो गया, ये दो हो गए, दूसरा बनाया हमने। और इस वाली लाइन में हम 6 बार बनाएंगे। दो हो गए, 3 4 5 फिर वर्क टर्न करेंगे हम अपना। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे हम। दो चैन लेंगे, एक दो। अब हम इस वाली लाइन में 4 बार बनाएंगे। एक हो गया, 3 हो गए हमारे, 3 4 हो गए। वर्क टर्न करेंगे हम अपना।
नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसमें हम दो बार बनाएंगे, इस वाली लाइन में हम दो बार बनाएंगे, दो चैन लेंगे, एक दो, और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक बार, इस तरीके से, और चैन लेके धागा कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैंने बना लिया है, धागा पीछे कर दिया हमने। हमने पहले 10 बनाए घटा, फिर उसके बाद हमने दो घटा दिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, फिर 8 रह गए, फिर 6 हो गए, फिर 4, फिर 2। अब वाइट धागा लेंगे, धागा एक्स्ट्रा पीछे छोड़ेंगे, और जो हमने दो बनाए थे उसके बीच में से हम ये इसे कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे धागे को, धागा पीछे एक्स्ट्रा रखेंगे बाद के लिए, और हम पफ स्टिच बनाएंगे 8 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से निकालेंगे, इसे लॉक करेंगे, और एक चैन लेके धागा कट कर देंगे। इधर भी धागा में एक्स्ट्रा रखना है पीछे बांधने के लिए बाद में। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा पफ बन गया है, ये हमारा पॉम पॉम की तरह लुक आएगा इसका, और धागा पीछे कर देंगे हम अलग साइड में ले जाके। देखिए फ्रेंड्स, एक इधर की साइड रहेगा, एक इधर की साइड रहेगा। अब हम ये मूछें बनाएंगे इस तरह की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वाइट धागा ले लिया है, अब हम चैन बनाएंगे, धागा ऐसे पकड़ेंगे नीचे से ऊपर से दोनों को, ऐसे इस तरीके से इसे टाइट कर देंगे। ये हमारी एक चैन बन गई है, 2, 3 चैन बनानी है, और धागा दो बार लपेटना है हमें, और जो हमने सबसे लास्ट वाले चैन में डालना है इस तरीके से, फिर हमें घटाना है ये 2, 2 करके इस तरीके से, और ये धागा खींच लेंगे। फिर हम 3 बार चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, फिर हमारी जो पहली चैन थी फिर डालेंगे, फिर 2-2 करके घटाएंगे हम इस तरीके से फ्रेंड्स, इस तरीके से, इस तरीके से ये हमारी मूछे सी बन जाएगी। एक चैन लेके धागा कट कर देंगे हम, ये देखिए फ्रेंड्स, ये धागे को हम पीछे ले जाके ऐसे बांध देंगे इस तरीके से। अब इसका इनका इनके नोज बनाएंगे हम, रेड वाला धागा लेंगे, चैन बनाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से अभी बनाई थी हमने, धागा खींच देंगे, एक चैन बन गई हमारी। अब हम 3 बार पफ बनाएंगे इसमें, एक लूप हमारा ये हो गया, 2, ये 3, तीनों में से निकालेंगे धागा, एक चैन लेके धागा कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, और इसे टाइट करके खींच देंगे तो ये नोज बन जाएगी हमारी इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, छोटी सी नोज बन जाएगी जो हमें इधर लगाएंगे इस तरीके से। अब इसे हम पहले हम नोज बांध देंगे, ऐसे ले जाएंगे इधर सर्कल पे रखेंगे जो हमारा राउंड है छोटा सा, और पीछे से निकालेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ से भी निकालेंगे, दोनों एक ही साइड से निकाल, अलग अलग एक ही तरफ एक ही लाइन से निकालने पड़ेंगे हमें, ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो हमारी नोज वैसे अजीब से लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे टाइट करके बांध देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नोज यहाँ से बांध दिए अच्छे से, आप भी बांध दीजिएगा। और अब हम ये मूछे लगाएंगे, पहले धागा हम अंदर खींच लेंगे इस तरीके से,
देखिए फ्रेंड्स, मैंने धागा बांध दिया है। अब हम इसे यहाँ से पक्का करेंगे। सुई लेंगे, धागे में ऊन डालेंगे, यहाँ से अच्छे से इसे इस तरीके से हम सुई से इस पूरे में सिलाई कर देंगे ताकि हमारी ये मूछें हिले ना। इस तरीके से हमें पूरे में करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पक्का कर दिया है, अभी हमारी हिलेगी नहीं, फिक्स हो गई है। अब हम काला धागा लेंगे, इस तरीके का ये माउथ बनाएंगे। काला धागा लेंगे छोटा सा, दो नोट लगाएंगे, दो तीन इस तरीके से, एक के ऊपर एक आने चाहिए नोट ताकि हमारी नोट मोटी सी लगे। और फिर एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे हम। अब यहाँ हम इसे यहाँ पे चिपका देंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये हमारी चिपक जाएगी, इस तरीके से चिपका देंगे हम अच्छे से। देखिए फ्रेंड, मैंने ये अच्छे से चिपका दिया। अब हम लाल धागा लेंगे छोटा सा और इसके माउथ के पास चिपकाएंगे राउंड करके इसे, इसे चिपका देंगे छोटे से को ऐसे करके माउथ के पास ही, और थोड़ी देर इसे सूखने देंगे। इसे ऐसे करके चिपका देंगे अच्छे से। अब इसकी आईज लगाएंगे हम, यहाँ पे टेडी बेयर आईज है। इसे चिपकाएंगे, इसी तरीके से इधर भी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये सेंटर का फेस तैयार है। अब हम इसका घेरा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सूखने देंगे इसको। अब हम इसका घेरा बनाएंगे चोली का। हमें इसे धागा साइड से शुरू करेंगे, लगाएंगे इस तरीके से, कनेक्ट करेंगे इस धागे को, खींच लेंगे पीछे, तीन चैन बनाएंगे हम। तो धागा साथ में लेते हुए एक ही हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। जो हम तीन चैन बनाते हैं उसको डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। और नेक्स्ट वाले में हम दो बार बनाएंगे, एक ही स्थान से हम दो बार निकालेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। अब इसके बाद हम दो बार बनाएंगे अगली चैन में। ये हमारा एक हो गया। इसी जगह से हम दोबारा लेंगे। इसी तरीके से हमें ये पैटर्न फॉलो करते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट करना है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने राउंड के एंड में आ गई हूँ। अब इसे हम तीसरे चैन में डाल के जोड़ देंगे। तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। ये हमारा डबल क्रोशिया बन चुका है एक। हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। अब हम हर तीसरे चैन में दो बार बनाएंगे। एक बार हो गया, इसी स्थान से दूसरी बार निकालेंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स। एक बार बनाएंगे अलग, एक बार अलग बनाएंगे, हर तीसरे चैन में दो बार बनाएंगे। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है अपना। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। अब इसे हम स्लिप स्टिच के द्वारा कनेक्ट करेंगे तीसरे चैन में डाल के। एक चैन लेके धागा कट कर देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये दो राउंड रेड के बनाए, अब हम चार राउंड वाइट के बनाएंगे। धागा कनेक्ट करेंगे,
धागा जोड़ेंगे हम, तीन चैन बनाएंगे, तो तीन। ये हमारा डबल क्रोशिया बन चुका है। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक। अब हमें हर चौथी चैन में दो बार लेना पड़ेगा। हमने एक बार लिया, दो, तीन, हर चौथी चैन में दो बार बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, इस तरीके से फ्रेंड्स। ये अलग अलग बनाया हमने तीन चैन में, एक चैन में हमने दो बार बनाया, चौथी चैन में। इसी तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है अपना, और इसी तरीके से हमें सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। अब हमने तीसरी चौथी चैन में बनाया है, नेक्स्ट वाले में हम पांचवी चैन में दो बार बनाएंगे, छठी चैन में हम छठे राउंड में हम छठी चैन में दो बार बनाएंगे। इसी तरीके से हम ऐसे ही करते करते हम अपना नौ राउंड कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने नौ राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। दो रेड के बनाए हैं, चार वाइट के बनाए, फिर दो रेड के बनाए। इसी तरीके से हमने ये बनाया है। अब हम ग्रीन धागा लेंगे, अब इसकी किनारी बनाएंगे हम, अपना धागा जोड़ेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तीन चैन लेंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन लेंगे, दो स्किप करेंगे, एक, दो, और तीसरी चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीसरी चैन में हम सिंगल क्रोशिया बना के, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बनाना है। तीन चैन लेंगे, एक, दो, तीन, और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो स्किप करेंगे, एक, दो, दो स्किप करेंगे, तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन लेंगे, एक, दो, तीन, दो स्किप करेंगे, एक, दो, तीसरी चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये लूप बनते जाएंगे हमारे। ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने राउंड के एंड में आ गई हूँ। अब इसे जोड़ेंगे हम स्लिप स्टिच के द्वारा, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम पहले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले लूप में हम सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से अब नेक्स्ट में हम सात बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। फिर नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट इसमें लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे हम फ्रेंड्स। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम जोड़ देंगे यहाँ से।
सॉरी। फ्रेंड स्लिप स्टिच द्वारा जोड़ दिया है, एक चैन लेके धागा कट कर देंगे। पीछे धागा ले जाएंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अब हमने जो ये पीछे ये धागे छोड़े थे हमने लंबे वाले, अब हमें यहाँ लगाने एक एक करके। अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, जैसे कि आपको 6 लगाने हैं, 8 लगाने हैं, जितने आप बनाओ उतने लगा लीजिएगा। इस तरीके से हमें ऐसे करके फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लिए दो धागे और हमने जो पहले वाला राउंड है हमारा उसमें डाल के हम धागा निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम धागा निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए धागा आ गया है। अब हम तीन छोड़ देंगे, 1, 2, 3, तीन घर छोड़ के धागा निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और पीछे ले जाके गांठ लगा देंगे हम इस तरीके से, ऐसे करके। आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जो हमारी ये 3, 2 हैं इनके बीच में हमारा ये आना चाहिए दाढ़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3 इसके बीच में लगा देंगे, 3 छोड़ के इस तरीके से। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीछे ले जाके सब बांध दिए और धागे सारे कट कर दिए हैं इस तरीके से। आप भी कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर से बांधा है और नीचे से टाँका लगाया है ताकि हिले ना कहीं भी अपनी जगह से। इसे देखिए किस तरीके से लगाना है, ऐसे पकड़ा, किनारे पर रखा हमने, ये धागा लिया इस तरीके से फ्रेंड्स। बस एक ही टाका लगा लीजिए ताकि हिले लेना बार बार। पीछे लेगा ले जाके नोट लगा लीजिएगा। धागा कट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर बनी है हमारी बाल गोपाल जी की ड्रेस। देखिए सांता क्लॉज की। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।